चैन से रहना है तो होश में आओ। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे यंग साइंटिस्ट कमल आज मेदास सिटी से वीनस सिटी ट्रेन से जा रहे हैं, वो भी बिना सिक्योरिटी। आज तक कमाल को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि सिक्योरिटी देख के गुंडों बदमाशों को पता चल जाएगा कि साइंटिस्ट कमाल कौन है और उनकी जान को खतरा हो सकता है। वाओ, वर्ल्ड्स यंगेस्ट साइंटिस्ट, काश मैं भी उनसे मिल पाता। शिवा, क्या हुआ लड्डू सिंह जी, आप ऐसे चोरी से मुझे क्यों बुला रहे हैं? शिवा, तुमने साइंटिस्ट की न्यूज तो सुनी होगी, उसके सीक्रेट प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है। लड्डू सिंह जी, मुझे साइंटिस्ट के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी कैसे दे सकते हैं? ना तो मैं पुलिस हूँ और ना ही आर्मी में। ओहो, शिवा बात को समझा करो, मुझे दी गई है मतलब तुम्हें दी गई है। प्लीज मेरे साथ रेलवे स्टेशन चलो। चलो ठीक है लड्डू सिंह जी, लेकिन उसे तो कोई पहचानता नहीं, फिर हम प्रोटेक्शन किसको देंगे? शिवा हमें अलर्ट रहना है, अलर्ट। कोई भी गुंडा देखो लड्डू सिंह जी, मेरे पीछे कोई है? नानी है आपके पीछे। मेरे पीछे नानी है? हाँ हाँ। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो जैसे पीछे नानी है? तो ये बात है। सॉरी सॉरी नानी, सॉरी। मैं चलता हूँ शिवा, मिलते हैं, बाय। हाँ, बाय। और कितना लेट आएगी ये ट्रेन? कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। खतरी खतरनाक की बात को काटने की कोशिश मत करना। तुम में से जो भी साइंटिस्ट कमल है वो पहले सामने आ जाए, तब बाकी लोग ट्रेन में जाकर बैठ सकते हैं। हमें तो जाने दो भाई, मुझे जल्दी वीनस सिटी पहुंचना है। मुझसे चालाकी नहीं करना, लगता है तुम लोगों ने सुना नहीं। मैं तीन तक गिनूंगा, कमल साइंटिस्ट सामने आ जाओ वरना सबको खत्म कर दूंगा। एक, दो, तीन। ओ, तो तुम हो कमल साइंटिस्ट, दुनिया के यंगेस्ट साइंटिस्ट। तुम तो एकदम बच्चे हो। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। शिवा, तुम्हारा नाम शिवा है तो कमल कौन है? देखो शिवा बेटा, हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं, तुमने एक किक मार दिया तो कोई बात नहीं, मैं बच्चा समझ के माफ कर दूंगा। लेकिन खतरी खतरनाक से और कोई चालाकी मत करना वरना वरना अरे फिर मार दिया। हैंड्स अप, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। Huh?
यू शिवा, अब कोई खतरा नहीं है। वो खतरी खतरनाक भाग गया है। शिवा, मैं भी ट्रेन के आखिरी स्टेशन तक साथ में जा रहा हूँ। पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। ओके लड्डू सिंह जी, मैं अभी निकलता हूँ। कुछ जरूरत पड़ी तो कॉल कर देना। अब हमने ये ट्रेन हाईजैक की है, कोई होशियारी नहीं करना। मैं खतरी खतरनाक बोल रहा हूँ। ड्राइवर मेरे गन पॉइंट पर है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। साइंटिस्ट कमल जो भी है, चुपचाप इंजन में चला आए। खतरे की बात को काटने की कोशिश की तो सफर खतरनाक हो सकता है। खतरे के बारे में भी बता देता हूँ। इस ट्रेन में एक टाइम बम लगा हुआ है। अगर हम तक साइंटिस्ट नहीं पहुँचा तो आधे घंटे में बम ब्लास्ट हो जाएगा। फिर तो कोई नहीं बचेगा। अब अगर साइंटिस्ट चाहता है कि सब पैसेंजर सुरक्षित रहे तो खुद को हमारे हवाले कर दे, नहीं तो सब ऊपर जाने की तैयारी कर लो। कहां से हम इस ट्रेन में बैठ गए जी? पता नहीं कौन है साइंटिस्ट। हेलो शिवा, बहुत गड़बड़ हो गई है। खतरी खतरनाक और उसके आदमी ट्रेन में घुस गए हैं और उन्होंने एक टाइम बम फिट किया है। अगर उनको साइंटिस्ट नहीं मिला तो आधे घंटे में बम ब्लास्ट हो जाएगा। लड्डू सिंह जी, आप पैसेंजर्स को पैनिक होने से रोकिए, हम लोग कुछ करते हैं। रेवा, आदि, यूडी, जल्दी चलो, खतरी खतरनाक ट्रेन में घुस गया है और कहीं पे बॉम्ब लगा दिया है। हमें उस कमल साइंटिस्ट को बचाना होगा। कम ऑन फ्रेंड्स, लेट्स गो। ट्रेन में बॉम्ब फिट है तो मेरा लॉजिक कहता है कि बॉम्ब या तो बीच के डिब्बे में फिट होगा या फिर आगे इंजन के पास वाले डिब्बे में, क्योंकि पीछे के डिब्बे में बॉम्ब ब्लास्ट से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। यू आर राइट शिवा। लड्डू सिंह जी, अगर हम पब्लिक को पीछे के डिब्बे में शिफ्ट कर दे तब बॉम्ब आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। हो जाएगा शिवा, हो जाएगा। वैसे भी आज पैसेंजर ज्यादा नहीं है, हम जल्दी सबको शिफ्ट कर सकते हैं। एडी, यूडी, तुम दोनों आगे के डिब्बे में जाकर लोगों को पीछे भेजो। मैं शिवा इस बॉम्ब ट्रैकिंग मशीन से बॉम्ब ढूंढेंगे। ओके, जा। ओके सर। हेलो एवरीवन, आप सब लोग अब पीछे के डिब्बे में चले जाइए, हमें यहाँ बॉम्ब ढूंढना है। बॉम्ब। इतनी देर हो गई अनाउंसमेंट किए, अभी तक साइंटिस्ट आया क्यों नहीं? टाइगर लगता है सबने मेरी धमकी को हल्के में लिया है। तुम दो तीन साथियों को लेकर जाओ और सबको ऑर्डर आओ। ये क्या, सारे पैसेंजर्स कहाँ चले गए? अगले डिब्बे में होंगे। चलती ट्रेन से सब कहाँ गायब हो गए? हेलो अंकल, लगता है आप लोग साइंटिस्ट को ढूंढ रहे हैं। अफसोस वो आपको मिलने से रहे। बच्चे, अफसोस तो अब तुम्हें होगा हमारे रास्ते में आने का। पकड़ लो इसे। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। Oh!
थैंक यू। तुम इन सब के साथ पीछे क्यों नहीं गए? क्योंकि ये फेमस साइंटिस्ट कमाल हैं। इनके पीछे ही ये गुंडे पड़े हैं। ये तुम्हारे आसपास ही सेफ हैं। Nice to meet you. हेलो टाइगर, इतनी देर क्यों हो गई? साइंटिस्ट मिला कि नहीं? हेलो टाइगर अंकल, तो मेरा टिफिन खाने में बिजी है। उसको भेजा था किस लिए और क्या कर रहा है? बच्चे मेरी टाइगर से बात करवाओ। सॉरी अंकल, वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं पहले खाना खाऊंगा। हैं? ये टाइगर तो भुक्कड़ निकला। तुम लोग घर से खाना खा कर नहीं आए थे क्या? आए थे बॉस, हमने तो खाने में मटन करी, चिकन। चुप करो, मैंने तुमसे मेन्यू नहीं मांगा है। जाओ और साइंटिस्ट को पकड़ो। अभी अभी हमने चलते ट्रेन से कुछ गुंडों को गिरते देखा। माहौल बहुत खतरनाक लग रहा है। ट्रेन के अंदर क्या सिचुएशन है उसका पता अभी नहीं चल पाया है, पर उम्मीद है पैसेंजर्स सुरक्षित पहुंच जाएंगे। शिवा, इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक तुम हो रहे सब। लड्डू सिंह जी, आप बॉम्ब को डिफ्यूज कीजिए, मैं इनसे निपटता हूँ। पैंथर को पकड़ना आसान नहीं है। आओ पकड़ो, पकड़ो मुझे। हेलो पैंथर, क्या हुआ? कुछ तो बताओ, टाइगर का खाना खत्म हुआ कि नहीं? अंकल, पैंथर अंकल ने मेरा बर्थडे केक पूरा का पूरा खा लिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। हम यहाँ साइंटिस्ट को पकड़ने आए हैं कि पार्टी में खाना खाने? बॉस, औरों का तो पता नहीं, पर मैंने तो अपना फेवरेट पालक पनीर, दाल मखनी। ना बंद करो मेन्यू बताना, तुम सब सिर्फ खाने में माहिर हो। चलो, लगता है अब मुझे खुद जाकर देखना पड़ेगा। ओहो,
सारी मंडली यहाँ जमा है। मेरे आदमी कहाँ है बच्चे? आज तो मेरी हैट्रिक हो गई। बच्चा नहीं कह रहा। भाई ये बॉम्ब तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। If you don't mind, क्या मैं देख सकती हूँ? Amazing, तुमने ये कैसे किया? ये तो बहुत आसान था। Just like बच्चा बॉम्ब, मैं न्यूक्लियर बॉम्ब साइंटिस्ट हूँ। क्या? न्यूक्लियर बॉम्ब साइंटिस्ट? अब मुझे पता चल गया है कमल साइंटिस्ट कौन है। अब मैं तुम्हें किडनैप करके गवर्नमेंट से 500 करोड़ रुपए मांगूंगा। और किसी को फाइट करनी है तो आ जाओ। डोंट वरी, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। नाना जी। हेलो शिवा, आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। यू आर सच एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। इतनी कम एज में आप इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए। शिवा, आप भी बहुत अच्छी फाइट करते हो। मैं हमेशा याद रखूंगी कि शिवा को कभी बच्चा नहीं कहना। हेलो, आई एम रेवा, दिस इज आदि एंड यूडी। एंड आई एम इंस्पेक्टर लड्डू सिंह। मेरा नाम यूं ही फेमस नहीं हुआ। यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब कोई ट्रेन हाईजैक करता है तो लोग कहते हैं हाईजैक मत कर, नहीं तो जैक एंजल, ओहो नो 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 नो, नहीं तो लड्डू सिंह आ जाएगा। हाय।